नमस्कार दोस्तों, ज्योति न्यू ड्रीम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। ये देखिए, इस डिब्बे में हमने कछुआ रखा हुआ है और ये हमारे घर में अपने से पता नहीं कहाँ से चली आई हुई थी, तो इसे नाद में रखा गया था। तो ये दुर्गा माता का रूप होती है, तो हमारे यहाँ आई हुई है। और ये पहली दुर्गा माता है और दूसरी दुर्गा माता भी आने वाली है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। रानवी, तुम भी जा रही हो क्या लाने? ठीक है। तो दोस्तों, आज है 22 जुलाई, तो आज सावन का पहला दिन है। तो आप लोगों को मेरे तरफ से, मेरे पूरे फैमिली की तरफ से सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कांवरिया वाले जो भी कांवरिया ले जाते हैं, अच्छे से ले जाएं, और मैं चाहती हूँ सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिए। सबसे बड़ा चीज, जानवर मारे भारत ना ही रहते तो अच्छा रहता है, सीधी शादी रहते हैं, बढ़िया रहते हैं। आजकल का अनुभव देख लोग, नया नया है, सब कम बहा देख। पहले ग्रहण लोग बहुत मतलब पूरे वाले के जैसे अनुभवी जी नहीं ने तो अपने हिसाब से कह देता देख लो भैया। आज दोस्तों, आज हमारे घर बहन नहीं थी और वहाँ पर बहन ने लाइट डाली है और अभी वहाँ पे बच्चा भी है, अभी उठे मिलने आया जाएगा तो और टीका लगेगा और पूजा होगा उसका, तो मुझे बहुत दूध मिलेगा और ये वाली बहन मेरे घर आएगी। आप लोगों को कैसा लगा? जगदीश और मौसी की लड़कियाँ हैं, जगदीश और मौसी की लड़कियाँ हैं। हो पाई पैसा लग गिने भाई ज्यादा नहीं, 15-20 दिन 20 दिन 20 दिन तारीख मालिक मुहूर्त है तो आज 22 महीना भर तो हम आज महीना से नहीं।
जो है कि भैंस आ गई है और उसके बाद मम्मी उसका स्वागत कर रही है, जो है कि सिंदूर गुड़ हल्दी तेल सब लगा के गोड़े में तो भैंस जो है कि जो भैंस है ये बहुत ही सीधी है, अभी पहले आई हुई है तो मार और नहीं रही है, सब उसे टच कर ले रहे हैं। तो देखिए अब तेल लगाया जा रहा है उसके सिर पे। आनवी भी देखिए वो भी नहीं डर रही है। एक कोपर से वाली भाई साहब आज ये एक बच्चा है, यहाँ पर तोड़ने आई हूँ। देखो ये तेड़ेगा, मैंने इसे तोड़ दिया है, अब ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सुबह हो गया है, अपने वीडियो को नहीं समाप्त किया हुआ था तो तबीयत भी नहीं सही थी, और सुबह हो गया है, मैंने खाना अपना बना चुके हैं और आर्मी को रेडी कर रही हूँ स्कूल जाने के लिए। आर्मी बोली मम्मा बोल देना कि आज वीडियो में कि आर्मी को हम रेडी कर रहे हैं और आर्मी जाएंगे अपने स्कूल। आर्मी कह रही कि इनके पापा हेयर कटिंग करा रहे हैं और बहुत अच्छा इनका बाल लग रहा है, दिखा दो बेटा। और हाई कर दो, गुड मॉर्निंग सबको बोलो। गुड मॉर्निंग। अब बता दो कहाँ जा रहे हो। स्कूल चले हम। और आनवी की हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है, इनके पापा ने इनका हेयर स्टाइल कराया हुआ है, कटाया हुआ है तो बताइएगा जरूर। देखिए हमने जो चारा डाल दिया हुआ है, तो यही थी हमारी दूसरी लक्ष्मी माँ जो कि कल आई हुई थी। तो ये देखिए अच्छे से चारा रखा है, बहुत ही अच्छी सीधी भैंस है ये। और हमारे घर जो वाली भैंस थी उससे हम लोग डरते थे, देखिए बहुत ही अच्छी है और बहुत सीधी है, मारती होती नहीं है। अगर मम्मी नहीं रहे तो कोई भी चारा डाल सकता है इसको। दोस्तों जो है कि अब चारा जो है कि अभी खाई हुई है इसलिए चारा नहीं खा रही है। तो जो है कि अभी 10-15 दिन में बच्चा भी दे देगा, तो आपको जो भी इसका मतलब होता है खिचड़ी वगैरह बनता है उसका भी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाएंगे जरूर। आप लोगों को बता देती हूँ ये भैंस जो है कि 45,000 की मिली हुई है और काफ़ी अच्छा मिला हुआ है। जैसे हम मम्मी जाती थी कहीं, जब से वो वाली भैंस बेची गई थी देखती थी, वैसा भैंस नहीं मिल रहा था जैसा वो था, फिर भी ये वैसा ही है सेम जैसे वो वाला था। और दूसरी है ये, मतलब एक बार बच्चा दे चुका है, अभी दोबारा है, प्रेग्नेंट है। कहाँ फूला है, यहाँ वो खाना खा रहा है ना इसलिए फूल रहा है। वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। अब आनवी को हम लोग भेज रहे हैं स्कूल, उनका स्कूल का टाइम भी हो गया है, ऐसे में थोड़ा कम समय मिल रहा है मुझे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आनवी को आनवी के पीछे बहुत ज़्यादा हमें लग जाना पड़ता है, क्योंकि सुबह इन्हें उठती हूँ, खाना पीना बनाती हूँ, इन्हें तैयार करती हूँ, टिफिन पैक करती हूँ, फिर ये जाती हैं, फिर बर्तन वगैरह धुलती हूँ, घर की सफाई करती हूँ, उसके बाद फिर 12 बजे आ जाती हूँ, इन्हें सुलाती हूँ, फिर पढ़ाती हूँ।